दिल्ली की कच्ची कॉलोनियों में रहने वाले लोगों के लिए आज जल बोर्ड ने बहुत बड़ा निर्णय लिया है। अभी बहुत सारे कई इलाके ऐसे हैं कच्ची कॉलोनियों में जहां सीवर की व्यवस्था भी नहीं है, तो एक तरफ जल बोर्ड पूरे मिशन मोड में सब जगह सीवर की पाइपलाइन डालने का काम कर रहा है। पिछले कुछ सालों में काफ़ी कॉलोनियों के अंदर सीवर की पाइपलाइन डाली गई हैं, अगले कुछ वर्षों के अंदर बाकी इलाकों में भी सीवर की पाइपलाइन डाल दी जाएंगी, लेकिन जहां सीवर की पाइपलाइन नहीं है वहां बहुत सारे लोग अपने घरों में सेप्टिक टैंक लगा के और उसके ज़रिए उसको इस्तेमाल करते हैं, सेप्टिक टैंक को इस्तेमाल करते हैं। हम लोगों को कई बार सुनने को मिलता है, अखबारों में आता है कि सेप्टिक टैंक की सफाई करने के लिए फलाने फलाने को किसी ने हायर किया और वो सेप्टिक टैंक की सफाई के दौरान किसी मजदूर की मौत हो गई जब वो सेप्टिक टैंक के अंदर घुसा। दूसरा, जो जितनी ये प्राइवेट एजेंसीज सेप्टिक टैंक की सफाई करती हैं इनमें से मोस्टली एजेंसीज ऐसी हैं जिनके पास कोई लाइसेंस नहीं है, ये अनऑथराइज तरीके से और गैर कानूनी तरीके से इसकी सफाई करती हैं। इसीलिए ये जितने मजदूर हायर करती हैं उन मजदूरों को कोई सेफ्टी इक्विपमेंट नहीं देती हैं, उनको वैसे ही सेप्टिक टैंक के अंदर उतार देती हैं, जो कि बहुत बड़ा अपने मजदूर भाइयों के लिए बहुत बड़ा रिस्क होता है, जान का रिस्क होता है। और तीसरा, ये प्राइवेट एजेंसी जितना मलबा वहाँ से लेके जाती हैं किसी के घर से सेप्टिक टैंक से, वो ले जाके नालों में डाल देती है या इधर उधर डाल के उससे गंदगी फैलाती है समाज के अंदर। तो आज एक योजना हम लोगों ने शुरू की है, मुख्यमंत्री सेप्टिक टैंक सफाई योजना। इसके तहत अब दिल्ली जल बोर्ड, दिल्ली सरकार लोगों के सेप्टिक टैंक की सफाई मुफ्त में कराएगी। अगले महीने भर के अंदर कोशिश करेंगे हम कि टेंडर हो जाएं और उसके बाद एक एजेंसी को हायर किया जाएगा। शुरू करने के लिए वो एजेंसी 80 ट्रक हायर करेगी। इस चीज़ के लिए एक फ़ोन नंबर दे दिया जाएगा दिल्ली में, किसी को अपने घर की अगर सेप्टिक टैंक की सफाई करानी है वो उस नंबर पे फ़ोन करे, उसको समय दे दिया जाएगा उनके म्यूचुअल कन्वीनियंस के हिसाब से। वो बताएंगे कि इतने बजे कल परसों तरसों आके हमारे सेप्टिक टैंक की सफाई कर दीजिए। दिल्ली जल बोर्ड का ट्रक जाएगा और वो वहाँ की उनकी सफाई करके उस मलबे को वो हमारे किसी भी एसटीपी प्लांट में, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में ले जाके दे देगा और फिर वहाँ पे इस एसटीपी के अंदर उसकी सफाई हो जाएगी। तो इस तरह से लोगों को एक ऑथराइज्ड और लीगल तरीके से सुविधा मिलेगी, उनको इसके लिए कोई पैसे देने की ज़रूरत नहीं है। दिल्ली की सफाई की दिशा में ये एक बहुत बड़ा कदम होगा, यमुना की सफाई की दिशा में ये बहुत बड़ा कदम होगा, क्योंकि अभी तक ये जितने सेप्टिक टैंक का मलबा निकलता है वो सारा का सारा कहीं ना कहीं से होते हुए यमुना के अंदर जा रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि जिन लोगों के सेप्टिक टैंक में उतर के मौत होती है उन लोगों की मौत होनी बंद हो जाएगी। सो मैं दिल्ली के सभी कच्ची कॉलोनी में रहने वाले उन लोगों को बधाई देता हूँ जिनके पास अभी सीवर की सुविधा नहीं है और इस योजना के तहत उन सब लोगों को फ़ायदा पहुँच।